सबको अशरफुल मखलूकात बनाया, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुकद्दस उम्मत में पैदा फरमाया। अल्लाह ताला उसी महबूब के सदक़े में हमारी और आपकी हाजिरी को कबूल फरमाए। मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत की है, अल्लाह अज़्ज़ोजल हमें हक बोलने, पहले मुझे बाद में सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह का मुकद्दस कलाम बोलता है, لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا سبحان الله سبحان الله। ये दो आयतें करीमा है, एक का तर्जुमा यह है, ऐ महबूब हमने तुमको सारे आलम के लिए रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा है। एक का तर्जुमा यह है, अल्लाह फरमाता है ऐ लोगों मैंने तुम पर बहुत बड़ा एहसान किया जो अपने महबूब को तुम्हारे दरमियान में भेज दिया। ये हमारी और आपकी बहुत बड़ी सआदतमंदी है, खुशी है। मेरे आका चाहते हैं इस दुनिया में एक आलम नहीं 18,000 आलम है। मेरे आका किसी आलम में रह जाते हैं, वो हर आलम की रहमत है किसी आलम में रह जाते हैं, वो हर आलम की रहमत है किसी आलम में रह जाते हैं, ये उनकी मेहरबानी है यही आलम पसंद। सुन्नियों मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हमारे तुम्हारे दरमियान में तशरीफ लाए, ये हमारी और आपकी बहुत बड़ी खुशनसीबी है। आका हमारे तुम्हारे दरमियान तशरीफ लाए, हजरत आमना खातून रजी अल्लाह ताला अन्हा ये मेरे आका की माँ है। इनसे किसी ने पूछा, ऐ आमना खातून आप बताओ नब आपका शहजादा दुनिया में आया, आपका लाडला बेटा जब दुनिया में आया उस वक्त की कोई खास बात याद है? किससे पूछा गया? नबी की माँ से पूछा गया। हजरत आमना खातून रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, हाँ मुझे याद है, अभी भी याद है कि मेरा लाल जब दुनिया में तशरीफ लाया, जैसे ही मेरा लाल दुनिया में आया मैंने एक आवाज सुनी, वो आवाज अल्लाह की तरफ से थी। मैंने अपनी तवज्जो को अल्लाह की तरफ कर दिया, अपनी समाज को अल्लाह की तरफ कर दिया, अपने जहन को अल्लाह की तरफ कर दिया, अपने सुनने की ताकत को अल्लाह की तरफ कर दिया, अपने कान को अल्लाह की तरफ कर दिया, अपने दिल को अल्लाह की तरफ कर दिया, अपने कल्ब की समाज को अल्लाह की तरफ कर दिया, अपने जहन की समाज को अल्लाह की तरफ कर दिया, अपना अल्लाह की तरफ कर दिया, अपना फिक्र अल्लाह की तरफ कर दिया, अपनी सोच को अल्लाह की तरफ कर दिया। हज़रत आमना खातून फरमाती है, जैसे ही मेरा लाल दुनिया में आया आसमान से एक आवाज आ रही थी, उस आवाज का नाम यह था, आवाज देने वाला कह रहा था, ऐ जिब्रील अलम बिल मशरिक अलम बिल मग़रिब, ऐ जिब्रील झंडे ले जाओ अर्श आज़म से, झंडे ले जाओ, एक झंडा मशरिक में गाड़ देना, एक झंडा मग़रिब में गाड़ देना, एक झंडा काबे की छत पर गाड़ देना, और झंडा गाड़ने के बाद वापस ना आना, बल्कि जब मशरिक में गाड़ना तो उसके बाद मग़रिब में चले जाना, और मग़रिब में गाड़ने के बाद काबा की छत पर चढ़ जाना। जब काबे की छत पर झंडा लगाना तो झंडा लगाने के बाद उसी काबे की छत से ऐलान कर देना, ऐ दुनिया वालों मुस्कुराना शुरू कर दो, ऐ दुनिया वालों खुशी मनाना शुरू कर दो, ऐ दुनिया वालों तुम्हारे लिए ये सबसे बड़ा इनाम है। अल्लाह ताला से हज़रत जिब्रील ने कहा, या मौला मैं दुनिया वालों को क्या कहूंगा? आवाज आई, ऐ जिब्रील कह देना, ऐ
दुनिया वालों जमीनों जमाने वाला है, जमीनों मकाने वाला है, और आमना खातून से जाकर कह देना ऐ आमना खुश हो जा तेरी गोद में सारा जहां। जोर से बोलो, जोर से या रसूल अल्लाह सलामत रखे। बेचारे नारा लगाए तो जवाब ऐसा मालूम होता है कि कई दिन से थके हैं, है ना। अभी थोड़ी नारा लगाओगे, 2024 का इलेक्शन आने दो। इलेक्शन में तो वो भी नारा लगाता है जो कभी भी नहीं कहता होगा, है ना। खूब नारा लगाएगा, ऐसा ऐसा नारा, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान कटवा भागो। अरे जहाँ नारा लगाना चाहिए वहाँ नहीं लगाओगे, यही नारा तो कर्बला में लगा। सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह। मैं ये कहानी नहीं बता रहा हूँ, मैंने अपनी माथे की आंखों से देखा है। आका हुसैन के रोजे पे जब कोई जाता है ना, सबसे पहले हजरत अब्बास अलमदार की ज़ियारत है। जिसी कर्बला शरीफ में आप दाखिल होंगे, कभी अल्लाह तौफीक दे, तौफीक तो वो दे रहा है, मगर आप कभी दुआ ही नहीं मांगते। अपने मकान के लिए दुआ मांगते हो, लड़की लड़का खातिर दुआ मांगते हो, गाड़ी खातिर दुआ मांगते हो, जमीन जायदाद खेती बाड़ी के, अरे जहाँ इसके लिए दुआ मांगते हो, वहीं दुआ ये भी मांगा करो, या अल्लाह बगदाद की हाजिरी अता कर दे, मदीना शरीफ की हाजिरी अता कर दे, कर्बला शरीफ की हाजिरी अता कर दे। अरे मांग कर तो देखो प्यारे, देखो अल्लाह तो देने के लिए बैठा है, मगर हमारी बदनसीबी ये है कि हम सब मांगते मांगते मगर ये नहीं मांगते। जो मांगने का ढंग इस तरह मांगो, जो मांगने का ढंग इस तरह मांगो, दरे करीम से बंदे को क्या नहीं मिलता। मांगो तो अल्लाह की बारगाह में, अरे मांगा कब, हाँ हम क्या मांगते हैं अल्लाह वालों की बारगाह में, क्या मांगते हैं जो उनके पास नहीं है। मिसाल के तौर पर मकान से उनको नफरत है, तुम मकान मांगते हो, दौलत से उनको नफरत है, तुम दौलत मांगते हो, जमीन जायदाद अल्लाह वाले कब पसंद करते हैं, तुम उसको मांगते हो, और जो है उनके पास वो नहीं मांगते। भाई सोनार के पास आप अगर जाओगे, उससे कह दो हमको जामुन दे दो, तो वो जामुन देगा। भाई सोना चांदी का सामान मांगोगे तो देगा। किसी किसी बादशाह के पास जाओगे तो वो सब दे देगा। किसी खाना बनाने वाले से कह दो कि भाई हमें हीरे की अंगूठी ला के दो, तो वो तो चिकन मटन ही की बात करेगा ना, तो जो जिसके पास होगा वही ना देगा। अल्लाह वालों की बारगाह में मकान मत मांगा करो, दुकान मत मांगा करो, अल्लाह वालों की बारगाह में अल्लाह मिलता है। अल्लाह वालों की बारगाह में अल्लाह ही तो मिलेगा। आप यकीन मानिए, 2016 में तो मैं मदीना शरीफ गया, 2014 में बहुत से हमारे साथी मदीना शरीफ जा रहे थे। दिल में ख्वाहिश थी कि यार बताओ, हमारे सामने पैदा हुए ये मदीना शरीफ चले गए, गरीब नवाज की बारगाह में थे। हमने कहा यार सरकार, वो कब दिन आएगा, आप तो 20-25 साल से बुला रहे हैं, कभी नाना जान की बारगाह में भेजा दीजिए। ऐसा लग रहा था कि सामने ही बैठ के सुन रहे हैं मेरे ख्वाजा। 2014 के आखिर में मांगा, 2016 में चला गया, समझ गए। उसके बाद लॉकडाउन जो पहला वाला लगा था, 2020 में लगा था ना पहला लॉकडाउन, जो 2-3 महीने का एक सलंग लगा था, हाँ 2020 में। तो वो लॉकडाउन जब खत्म हुआ तो मैं इंदौर गया, हमारे कुछ मिलने वाले हैं, वो नई गाड़ी खरीदे थे अर्टिगा। बोले हजरत ये नई गाड़ी है, कहाँ चले। हमने कहा यार लॉकडाउन में 6 महीना में घर ही में था, चलो पहले भाई नमाज के बाद गाँव चलते। आप यकीन मानिए, उसी लॉकडाउन के बाद पहले वाला लॉकडाउन गए, हमारे साथ वही दोस्त अहबाब थे, गए गरीब नवाज की बारगाह। बस अचानक दिल में ख्याल आया सरकार, नाना जान का रोज़ा दिखा दिया, बड़ी तारीफ सुनते हैं गौसे पाक की, बड़ी तारीफ सुनते हैं आका हुसैन की। मुहर्रम में जब कभी तस्किरा करते हैं सुनते हैं तो अजीब सा दिल मचलने लगता है। सरकार करम फरमा दें, जहां नाना का रोज़ा दिखाया है वहां गौसे पाक का भी रोज़ा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह, ऐसा मालूम होता है बस सामने ही बैठे थे ख्वाजा साहब। ये तो हमारा अकीदा है कि ठीक एक साल नहीं, जब हम वहाँ से वापस आए अजमेर शरीफ से, तो उसी दिन जिनके साथ में आए थे उनका फिरोज नाम था, उन्होंने डायरेक्ट कहा हजरत
आप अभी से इरादा बना लीजिए वालिद साहब के साथ आपको बगदाद शरीफ कर्बला शरीफ जाना है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। किस्मत से गुजर जाए सुभान अल्लाह एक रात मदीने में। कौन नहीं चाहता कि एक रात मदीने में गुजरे, गौसे पाक की बारगाह में गुजरे। गौसे पाक फरमाते हैं जो मेरे जो मुझे देखा वो जन्नती, जो मुझे ना देख पाए मेरे देखने वाले को देख ले वो जन्नत। कुछ लोगों ने कहा हुजूर उनको भी ना देख पाए, गौसे पाक फरमाते मेरी खानकाह में जो आ जाएगा वो जन्नत है।